फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो दिन है वो है माता रानी का पांचवा दिन, यानी कि माँ स्कंद माता की आज पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं माता रानी के हाथ में कमल के फूल हैं, साथ में शेर पे वो सवार हैं। आपको भी पता है माता का ये स्वरूप। तो आज के दिन इनकी पूजा की जाती है। साथ में और बातें आप जानना चाहें तो नीचे डिस्कशन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा। तो संदेश हम कम निकाल लें क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपका ज़रा समय जाए यहाँ पे। आप माता रानी की पूजा कीजिए, अपनी प्रार्थनाएं कीजिए, जो भी इच्छा है आपकी उसके लिए पूजा कीजिए, ताकि आपकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी हो जाए। और जो भी इच्छा है अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट में लिख के जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एक जगह जब प्रार्थना करते हैं ना तो वहाँ की प्रार्थना कबूल और स्वीकार ज़रूर होती है। ठीक है, जो भी चीज़ आप समझें वो करके जाएं नीचे, और जय माता दी लिख के जाएं अगर आपको नहीं चाहते हैं लिखना। क्योंकि जब भी आप जय माता दी लिखते हैं ना तो उसके साथ जो आपका भाव होता है ना, आपकी जो इच्छाएं चल रही होती हैं मन में ना, वो चीज उस समय आपके मन में रहती है, उसके बाद आप लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज क्या संदेश है आपके लिए। आज है नवरात्रि का पांचवा दिन और माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। आपके लिए कार्ड आया है नारद जी का। ठीक है, सफलता के भय असफलता के भय में नए कौशल को सीखने एवं उसके प्रयोग में किसी प्रकार का संकोच ना करें, पूरी निष्ठा एवं श्रद्धा से सीखें। हो सकता है आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हो लेकिन आप डर जा रहे हैं ये सोच के कहीं आप असफल ना हो जाएं, तो ये संदेश आपके लिए है। बहुत कम लोगों के साथ मैच हो सकता है लेकिन हर इंसान के लिए ये बहुत ही उपयोगी है ये संदेश, कि हम कभी भी ना डरें कुछ भी करने से ये सोच के कि हम इसमें असफल हो जाएंगे। जो भी काम आप करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, बस इस डर से कि आप असफल हो जाएंगे कहीं, तो इस डर से आप बिल्कुल ऐसा ना करें कि वो काम आप ना सीखें। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है मन में उनकी कोई बात चल रही हो और वो करना चाह रहे हो, बस ये सोच के नहीं कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसमें असफल हो जाऊं। ठीक है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आज है माता रानी का पांचवा दिन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये संदेश पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो नीचे जय माता दी लिख के जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।